जब तुमसे कोई शख्स बात कर रहा हो और बात करते करते वो दाएं बाएं देखे, तो फरमाया इसका मतलब यह है कि वो बात अमानत है, तुमने उसको आगे बयान नहीं करना। चूंकि वो दाएं बाएं इसलिए देख रहा है कि कोई और तो नहीं सुन रहा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर कोई बंदा रूटीन से बात कर रहा है तो लहजे में आहिस्ता हो जाता है, तो फिर भी ये इस बात का इशारा है कि वो इस बात को राज रखना चाह रहा है। दीवारों को भी कान होते हैं तो वो ज़रा आहिस्ता बोल रहा है, और वो बात करने से कबल दाएं बाएं देखता है कि कोई और तो नहीं सुन रहा, तो वो आपसे कर रहा है, तो उसने ये आपको कहा नहीं कि ये राज है। कहते हैं साहिब अक्ल वो होता है जिसको राज बताने के बाद ये ना बताना पड़े कि ये राज है। उसमें इतनी अक्ल तो हो ना, इतना तो फहम हो ना कि राज बताएं और फिर बताएं कि ये राज रखने वाली चीज़ है। तो राजदार ऐसा होना चाहिए कि जिसको राज बताने के बाद ये बताना ना पड़े कि ये राज है और ये राज नहीं है। तो बहरहाल वो कुछ इशारे होते हैं जो अकल समझता है, और ये क्वालिटी और ये खूबी और ये वस्फ हम में से हर शख्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर कोई राज की बात करता है तो फिर उसके एतमाद पे हमें पूरा उतरना चाहिए, वो राज राज ही रहे। और बंदा कहता है कि मैं ये राज किसी अपने राजदान को बताऊंगा, तो फिर उसके भी तो अपने राजदान होते हैं ना। वो क्या किसी ने कहा था, बुलिया यारा नू राज ना दसी, यारा दे भी यार होंदे ने। तो फिर यारों के भी आगे यार होते हैं, फिर उनके भी आगे, फिर राज तो होता ही नहीं है, फिर तो वो फैलता चला जाता है। तो आप तक आ गया, बस आप तक आ गया, वो सीने में समा गया, सारी जिंदगी कब्र में लेके जाना जो राज है। तो अब बाज़ का ऐसा होता है कि कोई शख्स उसको राज समझ रहा होता है, आपके नज़दीक वो बड़ी बात नहीं होती और आप उसको आगे रिवायत कर देते हैं। तो जब उसने आपको राज के तौर पे कहा है, वो बड़ी बात नहीं भी थी, लेकिन आप उसको राज रखेंगे तो ये बड़ी बात होगी कि उसने राज समझा और वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने उस राज को राज ही रहने दिया और सारी ज़िंदगी उस राज को जो है वो फाश नहीं किया है, तो ये एक बड़ी बात थी। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान हमारी अखलाकी कदरों और हमारी ज़िंदगी की खूबसूरतियों की ज़मानत है कि जब कोई शख्स तुमसे बात करे और बात करते हुए दाएं बाएं देखे तो तुम उसको राज समझो और वो तुम्हारे पास उसकी अमानत है, तो अमानत के अंदर खयानत नहीं करनी चाहिए।